So hello young ones, I'm your trainer Pooja. Today we will read chapter number 10 of our book Grammar Glitter Odyssey of grade 5 by Brain Root. It's a product of Amit Publishing House. So today I will teach you chapter number 10 of our book and the name of the chapter is Order of Adjectives. Kya hai chapter? Order of Adjectives. एडजेक्टिव्स का क्या ऑर्डर होगा, नाम से ही पता चल रहा है, बहुत क्लियर है कि क्या हो सकता है कि हम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स को यूज करें. तो कैसे लगाएंगे, क्या पहले आएगा और क्या बाद में आएगा. अ टॉल, फेयर, ब्यूटीफुल, तो उसमें क्या है, पहले ब्यूटीफुल आएगा, पहले टॉल आएगा या पहले फेयर आएगा. सो दिस वी विल स्टार्ट इन दिस चैप्टर दैट व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ Treat. Put these group of words in the correct order so that they will make a sentence. She is a young lady. आपको दिया गया है. She is a beautiful young lady. She is a beautiful young English lady. तो यहाँ पे क्या है कि we usually write adjective before nouns. तो हम क्या करते हैं कि हमेशा noun से पहले adjective को लिखते हैं. पर जहाँ दो से ज़्यादा adjective हो जाए वहाँ क्या होगा? When we use two or more than two adjectives with a noun, we follow a certain order. The adjectives are the placed according to the types. तो उन्हें कैसे place किया जाता है? उन्हें types के according place किया जाता है. कि पहले यहाँ पे quality आ जाएगी, फिर यहाँ पे size आ जाएगा, फिर यहाँ पे age आ जाएगी, फिर color आ जाएगा. ठीक है, origin आ जाएगा, material आ जाएगा. तो पढ़ते हैं कि exactly order है क्या. Quality. सबसे पहले आएगा क्वालिटी, देन साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस. कि किस, अगर कुछ क्वालिटी दी गई है तो आप वो मेंशन करिए. उसके बाद अगर टाइनी है, लार्ज है, स्मॉल है, टॉल है, साइज मेंशन करिए. एज मेंशन करिए कि एज कैसा है, न्यू है, ओल्ड है, एंशिएंट है. शेप मेंशन करिए कैसा है, ट्राइंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल में है, स्फेयर है, क्या एज है, कर्व्ड है, स्क्वायर है, व्हाट इज द शेप. कलर मेंशन करिए. ओरिजिन क्या है, मटेरियल क्या है और क्या उसका पर्पस है, किस पर्पस के लिए वो चीज है. सो लाइक दिस वी हैव टू अरेंज द ऑर्डर्स ऑफ द एडजेक्टिव. So directly we will come to the task where we have to fill the adjectives in order. Fill in the blanks with the adjective from the brackets in correct order. आपको ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा ब्लैंक के आगे आपको ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं. सो यू हैव टू फिल दोस ब्लैंक्स इन अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव. पढ़ते हैं अपना पहला ब्लैंक. I want to buy a dash jacket for myself. There are three adjectives given. Sorry, brown new fleece. सबसे पहले क्वालिटी आएगा. तो यहाँ पे क्वालिटी तो है नहीं, उसके बाद आ जाएगा कैसा है वो. तो सबसे पहले न्यू आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी एज हम बता रहे हैं कि न्यू है. न्यू आ जाएगा, फर्स्ट इज न्यू, उसके बाद आ जाएगा कलर एंड देन फ्लीस. न्यू brown fleece jacket for myself. I want to buy a new brown fleece jacket for myself. This is the correct order. Many dash fruit grow in India. Kya hai? Pehle aa jayegi quality aur fir aa jayega origin. Many juicy exotic fruits grow in India. Zenith saw a dash showpiece in that old marble. Lovely. Kya aayega? Pehle age aayegi ya fir quality? Pehle quality aayegi. Lovely. Then color age aayegi. Old. And then aapka material marble. तो आ जाएगा जीनस सॉ अ लवली ओल्ड मार्बल शोपीस इन दैट शॉप. सो लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू फिल द एडजेक्टिव बट इन करेक्ट ऑर्डर. रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डायरेक्टली कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. यू हैव टू डू दैट पार्ट इन अ होमवर्क. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द एडजेक्टिव इन द करेक्ट ऑर्डर. द आर्टिस्ट वियर्स अ ब्लैक प्रिटी वूल हैट. सबसे पहले क्या आएगा, इट्स प्रिटी, इट इज क्वालिटी. उसके बाद आ जाएगा उसका कलर, उसके बाद आ जाएगा उसका मटीरियल. द आर्टिस्ट वियर्स अ प्रिटी ब्लैक वूल हैट. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. ये सही क्या है, उसका ऑर्डर है. द ब्लैक लार्ज क्यूट. सबसे पहले आएगी क्वालिटी, क्यूट है.
उसके बाद लार्ज है और उसके बाद कलर आ जाएगा, तो आएगा द क्यूट ब्लैक लार्ज, द क्यूट लार्ज ब्लैक कैट लव्स टू नैप ऑल द डे. सो लाइक दिस यू हैव टू, सो ओके आई विल सॉल्व वन मोर फॉर यू. हॉट स्लाइस ऑफ पिज्जा मॉर्गन ऑर्डर्स टू टेस्टी. सबसे पहले आएगा मॉर्गन ऑर्डर्स टू नंबर्स, उसके बाद आपका आ जाएगा टेस्टी हॉट स्लाइसेस ऑफ पिज्जा. सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग ऑल्सो. सो हेयर प्रोवोकेशन, रीअरेंज दीज एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर बिफोर द नाउन्स दे क्वालिफाई और डिस्क्राइब एडजेक्टिव. कुछ आपको यहाँ पे नाउन्स दिए गए हैं और यहाँ पे उसके कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं. बट वॉट इज रॉन्ग हेयर, हेयर द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. एडजेक्टिव्स और नाउन्स. गर्ल सबसे पहले आएगी, उसकी क्वालिटी, तो शी इज ब्यूटिफुल. देन उसका एज आ जाएगा, शी इज ऑल्सो यंग. देन ब्यूटिफुल नाउन, गर्ल ब्यूटिफुल यंग फेयर जैपनीज गर्ल. ब्यूटिफुल इज द क्वालिटी, यंग इज द एज, फेयर इज द कलर एंड जैपनीज इज द ओरिजिन. स्टूडेंट सबसे पहले आ जाएगा उसकी क्वालिटी, क्लेवर, देन एज, यंग, देन टॉल, सॉरी स्टूडेंट सबसे पहले आएगा उसकी क्वालिटी क्लेवर, देन उसका आएगा एज, यंग, देन टॉल एंड देन स्पेनिश. तो आ जाएगा कि टॉल यंग सॉरी क्लेवर टॉल यंग स्पेनिश स्टूडेंट. सो लाइक दिस यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट एंड दिस एक्सरसाइज आई लीव यू फॉर होमवर्क. सॉल्व दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू अरेंज द ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव ओनली, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. सो सॉल्व द एक्सरसाइज व्हिच आई हैव गिवन यू एज एन होमवर्क एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.